सी नाम वालों का साल 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सी नाम वालों के साल 2020 के बारे में। सी नाम मतलब है जिनका नाम चिंटू हो, चंदन हो, चंद्रलोक हो, यही सी नाम वाले। ऐसे ही और जो भी लोग हों, यह वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए है। अगर आप भी सी नाम वाले हैं तो इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो का फ़ायदा आप उठाएं और वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस वर्ष का उपाय भी है, जिस उपाय को फॉलो करके आप साल को बेहतर बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सी नाम के जातकों को इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इस वर्ष में मुख्य रूप से आपको करियर और बिजनेस में सफलता मिलने वाली है, करियर में आप आगे बढ़ने वाले हैं। और तो और इस वर्ष अगर व्यापार में आप कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसमें भी आप झंडा गाड़ने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका स्वास्थ्य इस वर्ष में आपका साथ नहीं देने वाला है और चिंता की वजह आपका स्वास्थ्य ही होने वाला है। इसलिए इस वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखें। प्रेम जीवन में रह रहकर अच्छा बुरा होते रहेगा और समय समय पर आप प्रेम का आनंद भी लेने वाले हैं। दोस्तों दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी समस्या इस वर्ष में आपके सामने नहीं आने वाली है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच खुशियां रहेगी, खुशियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जाने वाला है। आपका जीवन साथी इस वर्ष में आपके हर एक कार्य में आपका सपोर्ट करने वाला है, जीवन साथी का समर्थन इस वर्ष में आपके पास रहने वाला है। इसका परिणाम ये होगा कि आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, इसमें बाधाएँ नहीं आएगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं, इस वर्ष में बाहर जाने के लिए भी उनका योग बढ़िया बन रहा है, वो बाहर जा सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, घंटे को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों सबसे पहला है आपका शिक्षा यानी कि आपका पढ़ाई लिखाई। साल 2020 में सी नाम वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से बेहतर रहेगा। दोस्तों यदि आप MBA या किसी अन्य डिग्री कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए नई सौगात लेकर आने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत में आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साल के मध्य में, साल के बीच में सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। आप जैसा चाहने वाले हैं, जैसा चाहेंगे ठीक वैसा ही होने वाला है, लेकिन साल के बीच में। दोस्तों विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह साल काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस साल अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जून से जुलाई तथा सितंबर का महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस अवधि के बीच यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लिहाज से भी आपका टाइम बेहतर रहेगा। साल के मध्य के कुछ महीने में आपके नवम भाव में पंच ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही है। संभव है कि शुरुआत में हालात आपके प्रतिकूल हो, इसलिए मन लगाकर आप पढ़ाई करें और निश्चिंत रहें, इस वर्ष में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों अब है आपका धन संपत्ति यानी कि आपका आर्थिक हालात। दोस्तों साल 2020 की शुरुआत सी नाम वालों के लिए धन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, बढ़िया होने वाला है, लेकिन साल के मध्य में आपको धन के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
जहां एक ओर आपके पास आय के अच्छे स्रोत होंगे, वहीं दूसरी तरफ साल के मध्य में आर्थिक मामलों के संबंध में आपको दिक्कतों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। हालांकि इससे आपको कोई बड़ा घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास आय का स्रोत जो रहेगा वो स्रोत इस घाटे की पूर्ति कर देगा और आपको आर्थिक तंगी में नहीं जाने देगा। धार्मिक कार्यों में आप पैसे का निवेश करें, क्योंकि धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य में पैसे लगाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अप्रैल के महीने में विशेष रूप से आर्थिक लाभ होने के संयोग बनेंगे, लेकिन इसके बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपका आर्थिक हालात रुक जाएगा। इस बीच में आपको धन का लाभ सामान्य नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर नहीं होने वाला है। अगस्त से अक्टूबर तक आप धन का निवेश सोचने विचारने के बाद करें, अन्यथा आपको फिर दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। देखा जाए तो धन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, सामान्य में बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अब है आपका स्वास्थ्य। सी नाम वालों के अनुसार वर्ष 2020 में स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अतः अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और जनवरी से मार्च तक का टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि के बीच आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा और बाधाओं की शुरुआत इस महीने से ही प्रारंभ हो जाएगी। आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर लें, अन्यथा अपने आप को ज़्यादा थकान होने के वजह से, ज़्यादा कार्य करने के वजह से आपके बॉडी में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। यूं तो आप पूरे समय इस वर्ष चुस्ती और फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी मार्च के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। मार्च के बाद आप बासी खाना न खाएं और जिन वस्तुओं से आपको एलर्जी हो उस वस्तु को भी मार्च के बाद आप खुद से दूर रखें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। वैसे शी नाम वालों के अनुसार मार्च से लेकर मई तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस अवधि के बीच आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और संभवतः इस अवधि में आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई बाधा नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य शानदार रहने वाला है। यदि आपको पहले से बीमारी कोई परेशान कर रहा है तो इस अवधि में या तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगा या इसका इफेक्ट आपके ऊपर से कम हो जाएगा। इसके बाद फिर जून का महीना भी स्वास्थ्य के लिहाज से आपका ठीक रहेगा। इस बीच आपको एक्सरसाइज हमेशा करना होगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो साल 2020 में एक्सरसाइज आप लगातार करते रहें, इससे आपके बॉडी में ऊर्जा की कमी नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हर मनुष्य के जीवन का मुख्य अंग होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही ना रहे, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपके लाइफ में जो खुशियां आती है वो खुशियां किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इस साल में अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास आप लगातार करते रहें और मार्च अप्रैल के महीने में अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। हो सकता है इस अवधि के बीच इनका स्वास्थ्य सही ना रहे और आपके घर वाले, आप सभी थोड़े बहुत तनाव में आ जाएं। दोस्तों, वैसे आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च, नवंबर और दिसंबर का महीना पूरे वर्ष में आपके लिए बेहतर रहेगा, शानदार रहने वाला है। इस महीने में अगर अपने स्वास्थ्य में आप लापरवाही नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हैं, तो आपको कहीं कोई बाधा नहीं आएगा और स्वास्थ्य आपका शानदार रहने वाला है। उसके बाद फिर अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में आपके जीवन साथी या आपकी प्रेमी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं अपने प्रेमी और जीवन साथी के स्वास्थ्य का, आप केयर करते हैं, तो थोड़े ही टाइम में इनके सेहत में सुधार आ जाएगा और आप सबों के लाइफ में कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है। तो अब जानते हैं आपके इस वर्ष के उपाय के बारे में कि आखिर आप क्या उपाय करेंगे तो साल 2020 आपके लिए शानदार हो जाएगा। दोस्तों, उपाय ये है कि इस साल आप नियमित तौर पर छाया पात्र का दान करें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा एक और उपाय है, इस साल में आप मिट्टी या फिर लोहे के बर्तन में सरसों के तेल को डालकर अपना चेहरा देखें और उस तेल को पात्र के साथ आप दान कर दें तो यह साल आपका शानदार हो जाएगा। तो मित्रों, यही था सी नाम वालों का वर्ष 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।